देखिए, आनंद भवन जो है वो हमेशा से 600 रुपए उनका टैक्स लगता रहा है। वो टैक्स देते आए हैं, आज तक कभी उधर से आपत्ति नहीं आई कि हम चैरिटेबल ट्रस्ट हैं या हमने अपनी जो हमारी ये आनंद भवन है इसको हमने राष्ट्र के रूप में दे दिया है कि इसका धरोहर के रूप में। आज तक ऐसा कोई आया नहीं वहाँ से। तो जब उसका टैक्स बढ़ता चला गया और जब अभी मूल्यांकन, नया मूल्यांकन हुआ है, तो उसका जितना एरिया के हिसाब से टैक्स लगाया गया, धीरे धीरे के 2011 में बढ़ा, फिर 2014 में बढ़ा, फिर 2016 में बढ़ा, हर बार बढ़ता गया ये। और अब जो है इसका इंटरेस्ट के साथ 2 करोड़ समथिंग इसका टैक्स बना है और 2 करोड़ कुछ इसका ब्याज बना है, तो वो भेजा गया। लेकिन आज भी उन्होंने अपना चैरिटेबल ट्रस्ट होने का पेपर हमको नहीं दिया। जब तक वो देंगे नहीं, जब तक वो ये नहीं लगाएंगे कागज़ कि हमने अपनी इस संस्था को हमने राष्ट्र के नाम कर दे दिया है, आपको पूरा इसका धरोहर के रूप में ले जाएं, तो ऐसा कोई हमारे यहाँ कागज़ लगा नहीं है। अगर वो कागज़ देते हैं, उनकी आपत्ति पहली बार इस बार आई है 4 दिन पहले कि हम एक चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, मेरे ऊपर इतना टैक्स ना लगाया जाए, और वो टैक्स देने को आज भी राजी हैं, बस वो उसको कम करना चाहते हैं। लेकिन अगर लोगों का कार्यकारिणी के कुछ सदस्य महोदय ने उठाया कि इसका टैक्स नहीं लेना चाहिए, लेकिन मेरा यही कहना है कि ये प्रशासन का भी, निगम प्रशासन का, और मेरा एक ही कहना है कि वो अगर अपने कागज़ हमारे पास लगा देते हैं कि हम चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, वो अगर लगा देते हैं कि हाँ हमने इसको दे दिया है जिलाधिकारी महोदय को, राष्ट्र के धरोहर के रूप में इसको सौंप दिया है, तो उसके बाद उस पर हम लोग विचार करके उसको कम करने का जो भी माध्यम बनेगा उसको ना, क्योंकि ये जाने मानी जगह है। जो हम लोग अपने शहर में कोई घूमने आता है तो उसमें बताते हैं कि आनंद भवन भी एक चीज़ है, एक स्वरूप है, सभी से जुड़ा हुआ एक बेहतर जगह है जिसको सब लोग घूम के फिर के, और इतना ऐतिहासिक जगह है वो, तो इसलिए हम भी नहीं चाहते कि वहाँ ऐसी कुछ चीज़ें हों। लेकिन जिन लोगों के हाथ में है वो बिल्कुल से हमें अपना कम से कम पत्रावली तो दे दें कि चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये है, हमने इसको शासन में दे दिया है, धरोहर के रूप में दे दिया है, तो हम भी उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई, मतलब अच्छी सोच है हम सबकी कि हम इसको मानते हैं, हम इसको जानते हैं, हम इसके स्वरूप को अपने शहर का एक माना जाना स्वरूप मानते हैं, तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। नगर निगम को पता तब चलेगा कि ये राष्ट्रीय धरोहर है जब वो कोई पेपर, जब तक वो पेपर चैरिटेबल ट्रस्ट का और ऐसी राष्ट्रीय धरोहर का वो नहीं लगाते हमारे पास कागज, तब तक कोई भी संस्था बिना फाइल में वो कागज लगाए उसका मूल स्वरूप नहीं खत्म कर सकते। औपचारिकता जरूरी है आपकी? औपचारिकता बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि हमारे कह देने से कि हम जानते हैं, फाइल इससे नहीं बनती, फाइल में जब तक कागज नहीं लगता तब तक वो फाइल संपूर्ण नहीं होती। दस सालों से चल रहा है, लेकिन आज तक वो टैक्स देते आए हैं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसका ये कागज है, हम टैक्स नहीं देंगे। तो ये पहल तो उन्हें करनी पड़ेगी, उनके ऊपर अगर लगा है तो वो हमें एक आपत्ति दर्ज करा दें और अपने कागज सबमिट करके दे दें, तो हम लोग बिल्कुल उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। पहले जो टैक्स लिया जाता था, हाँ, वो कमर्शियल था या नहीं? कमर्शियल नहीं है, वो आज भी आवासी है, पहले भी आवासी था, कमर्शियल नहीं था ये। जब 600 रुपए लिया जाता था, क्या हाँ, जमा भी होता था, तो ये करोड़ों में कैसे पहुंच? जैसे 600 रुपया इनके द्वारा जमा किया जाता था, जब 8,000 हुआ तो वो भी जमा किया, जब 14,000 हुआ तो वो भी जमा किया, जब 18,000 हुआ तो वो भी जमा किया। अब जब मूल्यांकन हो गया, जितनी प्रॉपर्टी है वहाँ पर उसका मूल्यांकन हुआ, मूल्यांकन के हिसाब से जो रेट बना है, अभी चल रहा है मूल्यांकन, इस समय पूरे शहर का चल रहा है, तो उसका मूल्यांकन जब नया मूल्यांकन हुआ तो नए मूल्यांकन में जितना उनका एरिया है, जो नया टैक्स बना है, उस हिसाब से उन पर टैक्स लगा है। क्या दर है, कुछ याद है आपको सालाना दर क्या है टैक्स की? सालाना दर जो होगी उसमें 75% की बढ़ोतरी होगी। लेकिन हम नहीं चाहते कि भाई अगर वो चैरिटेबल ट्रस्ट है उस पर नहीं लगना चाहिए, लेकिन उसके लिए उन्हें अपना कागज सबमिट कराना पड़ेगा, बिना सबमिट कराए हम फाइल को कंप्लीट नहीं कर सकते। हम किसी चीज को मांगेंगे भी मानेंगे भी तभी उसी अनुसार, जब तक वो कागज का प्रूफ हमें लाके नहीं